खराब हो जाए तो डॉक्टर ले जाते थे। और दीदी बता रही हैं जो आपको बताया कि रक्त करने का प्रयास, कुछ लड़कियों ने बताया, कुछ लड़कियों ने कहा कि अरे भाई बहन तरह तरह की लोगों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करी है। एक बात साफ है कि एक भी बच्ची ऐसी नहीं है जिससे ये कहा हो कि वहाँ कुछ पढ़ाई में भी उनको अंग्रेजी हिंदी पढ़ाई जा रही थी, उर्दू फारसी कुरान तो उन्होंने कई बार पढ़ी, लेकिन अगर मैंने जब पूछा उनसे कि गणित का कुछ बताओ तो हिसाब नहीं कर सकते हैं, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, अंग्रेजी सब्जेक्ट है, सात चीज़ें पढ़ाए जाते हैं लेकिन उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और यानी पढ़ाई भी ऐसी है। क्या ये मदरसा नाम एफिलिएटेड है उत्तर प्रदेश मदरसा? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मैम पता चला है कि रजिस्ट्रेशन नहीं था मदरसे का, उसके बाद भी चल रहा है। मुझे लग रहा है, मैंने अभी कहा चाइल्ड लाइन वालों से, इनसे जो हमारे वेमेन जो हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, कि पता लगाइए कि किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। देखिए हमारी पहली चिंता ये है कि बच्चियों के हम सच्चाई उनसे जाने और उनके माँ बाप को बुलाते हैं, लेकिन माँ बाप क्यों छुपा रहे हैं? अभी हम लोग सुबह भी उनसे जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बातचीत, मैं बता रही हूँ क्यों माँ बाप को, इसलिए हम लोग चाहते हैं आप ज़्यादा बात मत करें। हर ज़िले में लोग इस मसले को देख रहे हैं, आज रीता बहुगुणा का बयान ले रहे हैं तो सब जान जाएंगे कि इनका बेटा कौन है। तो जिनका बयान आप यहाँ लेंगे वो अपने घर कैसे वापस जाएंगी लड़कियाँ? और लड़कियों के साथ कुछ ना भी हुआ तो संदेह की और शक की निगाह में आएंगी। एक मानवीय आधार है, पहले सच्चाई पूरी आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपके सामने जो कुछ तथ्य रखे जाएंगे। और आपको मालूम है पॉस्को में किसी भी नाबालिग बच्चे का बयान हम लोग पब्लिकली या किसी इंटरव्यू नहीं दिला सकते। इनका कहना यह है कि तारी चले जाते थे सादे शाम, फिर रात को लौट जाते, और फिर देर रात से, जब बहुत देर रात से जाते थे गाड़ी के बाद इंजन ऑन होता था तब लोग समझते थे कि अभी चले गए, यानी लड़का जगी भी रहती थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ था, अब कितना गड़बड़ था आई कैन नॉट प्रोनाउंस नाउ, आई हैव टू वेट एंड सी। हम देखेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद हम लोग तथ्य सामने रखेंगे। 51 लड़कियां थी यहां पर जो कराई गई वहां से, और एक कर दिया गया है, हर सबको सपोर्ट कर देंगे, जो थोड़े जो मेडिकल वगैरह जिनके हो जाएंगे उनको रोकेंगे, कुछ दूर के लिए बच्चे हैं उनके माँ बाप भी आएंगे। मैम कितनी बच्चियाँ जिनके मेडिकल कराए जा रहे हैं जिनका 64 का बयान? हम कुछ नहीं बताएंगे आपको अभी, सब अभी इट इज ऑल बहुत कम है, लेकिन आप सारे अभिभावकों से बात होगी, जितनी भी लड़कियां अंदर हैं उनके सबके परिवार वालों से बात हुई है कि नहीं? जितने आ गए सबसे बात होगी। अब देखिए आइडेंटिटी जो नहीं लाया है उसको हम बच्चों से पूछ नहीं सकते, जो भी आइडेंटिटी लाएगा ये बच्चों का मामला है। 6 साल की बच्ची से लेकर 16 साल तक की बच्चियाँ हैं, अब कोई भी आके ले जाए और पानी के गलत हाथ में चली जाए, और ये ऐसे बड़े सुरक्षित हैं बच्चे। एक दर्जन से ज़्यादा हमारे अधिकारी महिला अधिकारी यहाँ पर हैं, यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग हैं, चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स हैं, पूरा प्रशासन खड़ा है, बच्चों को नाश्ता खाना सब देखा जा रहा है, हम देखा है, इंतजाम अच्छे हैं। अभी हमने कहा अभिभावकों के लिए आप टेंट लगवाइए, उनके खाने का इंतजाम कीजिए, अलाव जल रहा है, मैं रात को एक बार फिर आऊँगी। इंतजाम सही होने चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म करके बच्चों वापस।